तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो भाई आज ना मतलब क्या ही बताऊँ यार, आज जब नीचे उतर रहे थे तो ऐसे बंदे मिले थे टीम में जो रैंडम बंदे थे, जिसमें से भाई एक का जो चैनल है ना वो 1 मिलियन का था। और भाई वो तो हैक ही हो गया था। एक बार जरा तुम इस बात को पहले सुनो, से मतलब इसकी हाँ बात और क्या को। कर दिया है। हाँ भाई हैक हो गया बिजनेस किया, 1 मिलियन होने ही वाले थे कसम से भाई 1 मिलियन होने ही वाले थे। मेरे दोस्त ने हैक किया बहन चोद, मैं वो पता भी चल गया था, बस किस्मत उसके अच्छा है। अबे मेरे दोस्त मारने के तैयार थे उसको, मैंने बोला जाने दो, हटाओ, कर दिया दूसरा चैनल बनाएंगे। तो गाइस जैसे कि आपने यहाँ सुना कि भाई कोई बात नहीं यार, 1 मिलियन का चैनल ही तो हैक हुआ है, भाई दोस्त छोड़ देते हैं यार, मतलब क्या बड़ी बात है, यहाँ पर दोबारा से शुरू कर लेंगे जीरो से। मतलब यार, मतलब इसको तो यार लिटरली मुझे भी ये कहने का मन कर रहा है कि यार हलवा है क्या 1 मिलियन, मतलब कोई भी कर लेगा यार। ये तो कुछ ऐसा है जैसे कि भाई घर के नीचे गए राशन की दुकान से 2 टोपी ले लेते हैं, भाई क्या हो गया, 2 टोपी अपने दोस्त को दे दी तो 2 टोपी और खरीद लेते हैं, भाई इतना आसान है क्या यार। अगर किसी का चैनल हैक भी हो जाएगा ना, तो भाई पहली तो ये बात है वो बैकअप के लिए दूसरा चैनल तो शायद बना के रखेगा ही, तो भाई उसकी तो इतनी, अगर 1 मिलियन है उसकी चैनल पर तो भाई उसकी पहचान भी तो होगी, तो भाई वो तो दूसरा चैनल भी बनाएगा तो ग्रो हो जाएगा। अच्छा चलो छोड़ो यार, मैं तुम्हें एक कंडीशन देता हूँ कि भाई तुम्हारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर का चैनल है और उसके बाद भाई वो तुम्हारे दोस्त ने या फिर किसी ने भी हैक कर लिया और भाई वो बंदा तुम्हारे सामने आ जाता है, तो तुम उस बंदे के साथ क्या करोगे, मतलब तुम उसके साथ क्या करोगे कमेंट में मुझे जरूर बताना। इस बारे में अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहने वाला, मेरी सांस फूल गई है। अब इस बारे में आप क्या कहना चाहते हो कॉमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। भाई मतलब क्या ही बंदा था यार। खैर आगे चलो बढ़ते हैं अपने गेम प्ले की तरफ, अब छोड़ो इसे। अब यहाँ पर यह बंदा जिद कर रहा होता कि भाई गाड़ी मैं ही चलाऊंगा, तो मैंने कहा कि भाई चला ले। तो आगे की तरफ एक झोपड़ा होता है, उसमें बंदा होता है, तो भाई मैंने वहाँ पर क्या कि वहां पर बंदा है, पर इसने सोच लिया कि मुझे गाड़ी वहां रोकनी है और भाई सीधा गाड़ी बंदे के मुंह पे ही रोक देता है। अब यहाँ पर हमारे टीममेट के बेवकूफ़ी फैसले की वजह से भाई यहाँ पर मैं लपेटे में आ जाता हूँ। खैर यहाँ पर भाई अच्छी बात थी कि इसने यहाँ पर इसको नॉकआउट कर दिया और उसके बाद ये मुझे रिवाइव भी दे देता। भाई अंदर की तरफ ना हॉल में एक बंदा होता है, तो जैसे ही मैं रिवाइव ले लेता हूँ तो इसको लपेटते हैं। ये अंदर था जो, अब जितने में इस बंदे को नॉकआउट किया तो भाई अपार्टमेंट की तरफ से फायरिंग पड़ने लग जाती है। खैर यहाँ पर मैं हॉल के अंदर जाता हूँ और इस बंदे को यहाँ पर फिनिश करते हैं। अब इसकी पेटी बनाने के बाद हम अपार्टमेंट वालों से पंगा लेने में लग जाते हैं, और भाई अपार्टमेंट वाले क्या तीखा स्प्रे दे रहे थे भाई, मतलब बार बार हमारे ये जो रैंडम टीममेट है ना एक दूसरे को रिवाइव करे जा रहे थे, क्योंकि भाई मतलब इतना तीखा स्प्रे दे रहे थे कि बार बार बंदे नॉकआउट ही हो जा रहे थे। तो एक बार के लिए भाई मैंने भी सोचा पीक करके देखता, तो मैं किनारे से पीक करता हूँ और भाई देखो। तो गाइज यहाँ पर तुम समझ सकते हो कि इन बंदों को हल्के में नहीं लिया जा सकता था, लेकिन भाई यहाँ पर हमारे जो टीममेट होता है रैंडम टीममेट, वो ओपन ग्राउंड में जाकर के भाई इनसे फाइट लेने लग जाते हैं। अब भाई वो लोग चतुर थे, भाई इनकी सारी हेल्थ कम कर दी और एक बंदा जैसे नॉकआउट हो जाता तो भाई वो लोग हम पे रश कर देते हैं मौके का फायदा उठा के। लेकिन अच्छी बात यह थी कि जब तक मैं भी वहां पर पहुंच जाता हूँ। गाड़ी आ गई अपने पे। अब यहाँ पर एक बंदा नॉकआउट कर दिया था, उसके बाद यहाँ पर मैं आग की बोतल फेंक रहा होता हूँ कि इतने में यहाँ पर 3 नंबर भी नॉकआउट हो जाता है। अबे मेरा नेट गया था बे, बहुत बढ़िया डाउन, एक नॉक है, बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से यहाँ पर सिचुएशन को हैंडल कर लेता है और यहाँ पर सबका रिवाइव शिवाइव हो जाता है। और उसके बाद भाई जब हम गाड़ी को लेकर के यहाँ से जा ही रहे होते कि भाई एक और बंदा आगे वाले घर में छुपा हुआ होता है और 4 नंबर को गिरा देता है। देखो अबे पीछे 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 बंदे हैं। खैर इसके बाद मैं आगे जा करके देखता हूँ कि भाई ये कौन लपड़ झंडू से, थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ, उसके बाद सीधा आगे बढ़ता हूँ और बिना रुक के आगे बढ़ता हूँ। तो इसकी पेटी बना दी, इसको लूटते हैं, इसको लूटने के बाद वहां पर मेरे को गाड़ी मिल जाती है। गाड़ी को लेने के बाद मैं सीधा पहाड़ की तरफ जाने लग जाता हूँ, क्योंकि पहाड़ की तरफ मैंने एक बंदे को देखा था और जैसे ही वहां पर पहुंचता हूँ तो बंदा सीधा रास्ते में लेट जाता है। अब ये बंदा सांप बन गया तो इसने उठने की ठानी नहीं, तो उसके यहाँ पर पेटी बना दी और उसके बाद भाई गाड़ी को लेकर के अपने बंदों के साथ फार्म की तरफ से जा ही रहा होता कि मेरे पर कोई शॉट लेता है, तो फिर देखो क्या होता है। तो पहली गोली मिस हो गई, दूसरी वाली ग्लिच में चली गई, लेकिन तीसरी वाली एकदम टिका के मारी और एकदम उसके मत्थे पे चपका दी। और उसके बाद भाई गाड़ी को ले जा करके इसकी पेटी को लूटने ही जा रहे होते हैं कि रास्ते में भाई पता नहीं 4 नंबर नॉकआउट हो जाता है और भाई जहाँ से गोली चली थी तो हम वहाँ पर अपनी गाड़ी को मोड़ लेते हैं। यहाँ पर आते ही आग की बोतल से स्वागत होता मेरा।
अब असल में यहाँ पर दो बंदे थे जिनमें से एक को मैंने यहाँ पर नॉकआउट कर दिया जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो, और दूसरे वाले की पेटी हमारे यहाँ पर भाई टीममेट बना देते हैं, तो यहाँ पर भाई इनकी पेटी बन जाती है। और उसके बाद हम जब इनको लूटते हैं तो यहाँ पर AWM की कुछ और गोलियाँ मिल जाती है जो कि अच्छी बात है। खैर यहाँ पर मैंने मार्केट से AWM ले ली थी, मैंने तुम्हें बताया नहीं था जो कि मैंने तुम्हें अभी बता दिया। और उसके बाद हमारे भाई आगे कुछ कहते हैं। तो इसके बाद हमारे को हमारे 1 बिलियन वाले भैया ने इतने प्यार से बुलाया था स्क्वाड वाइप करने के लिए, तो हम कैसे नहीं जाते। तो मैं वहाँ पर जाता हूँ भाई, नेट करने की कोशिश करता हूँ कितने में 3 नंबर भी नॉकआउट हो जाता है। उसके बाद भाई जब बंदे आना स्टार्ट होंगे तो आते ही रहेंगे फिर। गेमर आजा। अब एक बंदा धप्पा कर देता है, अब भाई सही मौके पे सही रिएक्शन दे दिया, वरना भाई यहाँ पर पेटी बनना मेरी तय थी। खैर यहाँ पर मैं आग की बोतल फेंकता हूँ, उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट एड किट लगाने लग जाता हूँ। लेकिन भाई फर्स्ट एड किट के भी पता नहीं क्या ही नशे होते हैं भाई, जैसे मैं लगाता हूँ तो लगती नहीं है, तो उसके बाद मुझे दोबारा लगाने पड़ते हैं। और फिर मैं कामयाब तो हो जाता हूँ, लेकिन उसके बाद बंदे आने लग जाते हैं, एक के बाद एक आने लग जाते हैं। बंदा आया अभी तो सीधा MG3 मशीन गन लेकर के भाई जैसे तैसे बच गया, क्योंकि यहाँ पर लेवल 3 के सामान मेरे पास पड़े हुए थे। और उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट एड किट लगाते हैं और यहाँ पर बंदे फिर से आना चालू। एक और अब इसका सारा खानदान स्पाइडरमैन खेल रहा था, तो भाई सारे कूद के आ रहे थे। और उसके बाद यहाँ पर खैर इनकी पेटी बना दी। पेटी बनाने के बाद हम अपने 1 बिलियन वाले भैया के साथ गाड़ी में बैठते हैं और भाई शिकार पे निकल जाते हैं बंदों की तलाश में। तो फिर देखो उसके बाद क्या होता है। ओ भाई 15 किल के 17 बंदे निकाल दिया। तो गाइस इस तरीके से हम ये सारे बंदों को निपटा देते हैं। और अब हम आ चुके हैं अपने दूसरे गेम प्ले की तरफ। अब यहाँ पर भाई एक और बोनस गेम प्ले आपके लिए मैं लाया हूँ, और भाई ये वाला गेम प्ले उससे भी ज्यादा तबाहीदार होने वाला है। वो वाला तो जस्ट नॉर्मल था, ये वाला उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है और उससे ज्यादा किल है। तो यहाँ पर हम उतरे थे मिलिट्री में, और जैसे ही उतरता हूँ तो उसके बाद यहाँ पर थोड़ी बहुत लूट करी थी कि भाई दूसरे वाले छत पर मेरे को एक बंदा दिख जाता है। थोड़ा सा डैमेज दिया, नॉकआउट किया, और उसके बाद उस वाले छत पे जाता हूँ और उसकी यहाँ पर पेटी बनाते हैं। अब इसकी पेटी में से मुझे DP मिल जाती है। DP को लेने के बाद भाई नीचे की तरफ एक बॉट होता है, मैं उसको मार ही रहा होता हूँ कि भाई मेरे को खिड़की में एक बंदा दिखता असली वाला। बॉट की किल को कंफर्म करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर एक नेड करता हूँ, एकदम अच्छे से पकाता हूँ, और उसके बाद फेंक देता हूँ खिड़की के अंदर। बंदा नॉकआउट होता है, उसको ढूंढता हूँ और जा करके उसकी सीधा पेटी बनाता हूँ। यहाँ पर इसकी पेटी बना दी, और इसकी पेटी में से मुझे कुछ खास तो मिला नहीं, लेकिन यहाँ पर लूट करते करते मुझे एक M249 मिल जाती है। और भाई आगे की तरफ से आवाज़ आ रही थी गोलियाँ चलने की, जब मैं उतरा था तब भी आ रही थी। तो मैं वहाँ पर जब पहुँचता हूँ तो भाई वहाँ पर पूरे के पूरे 3 बंदे होते, और उसके बाद क्या होता वो देखो। इसको पेलते ही दूसरे वाला भी आता है, इतने में फुटस्टेप्स आते हैं, एक और बंदा आता है। तो यहाँ पर M249 के एक ही स्प्रे में इन तीनों की यहाँ पर पेटी बना दी। हाँ हाँ मैं जानता हूँ भाई, एक ही स्प्रे में बना दी, मैं कितना बड़ा मतलब मजाक यहाँ पर कर रहा हूँ। खैर यहाँ पर तुम सब्सक्राइब का बटन दबा देना, और भाई बेल आइकन को ऑल पे दबा देना सब्सक्राइब करने के बाद, और वीडियो को लाइक कर देना, और भाई कॉमेंट में मेरे को ना जवाब देना पहली वीडियो में मैंने जो तुमसे पूछा था। अब भाई यहाँ पर ना इसके बाद 3 बंदों को तो पेल दिया, अब भाई चौथा बंदा मैं ढूंढ रहा था कि भाई 3 है तो चौथा भी तो होना चाहिए, लेकिन चौथा वाला ना भाई टावर जो होता है ना, टावर पे बैठा हुआ था और टावर की धुंध में छुपा हुआ था। तो मैं वहां जाता हूँ तो देखता हूँ कि भाई वहां पर ना कुछ पेटी जैसा लग रहा, तो मैंने सोचा कि यार एक बार गोली चला के देख लेना चाहिए, लेकिन भाई वो असली बंदा था, मुझे तो पेटी लग रही थी। तो इसीलिए गाइस सावधान रहे, सतर्क रहे, क्योंकि यहाँ पर भाई अंधेरे कोनों में से कहीं से भी गोली निकल के आ सकती है और आपकी पेटी बन सकती है। अब इसको देखो ना, यहाँ पर अगर मैंने गोली नहीं चलाई होती ना तो शायद ये मेरे को रास्ते में लपेट जाता। खैर इसकी यहाँ पर पेटी बनाते हैं, और उसके बाद बीच में एक बॉट मिलता। बॉट मिलने के बाद भाई आगे की तरफ जब मैं जा ही रहा होता हूँ तो वहाँ पे आगे मेरे को एक बंदा दिखता है जो कि पता नहीं अपने सपनों की दुनिया में भाग रहा था, तो उसको रास्ते में पकड़ता हूँ। तो यहाँ पर इसकी पेटी बनाने के बाद थोड़ा बहुत टशन वशन दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरा मिलिट्री खाली हो गया था, थोड़े बहुत इमोट करते हैं। और उसके बाद गाड़ी को लेकर के सारे बंदों को बैठाने के बाद सीधा मिलिट्री के पुल पर पहुंचते, और वहां पर मेरे को एक बंदा दिखता है। थोड़ा बहुत डैमेज दिया, और उसके बाद पुल से बंदा नीचे कूद जाता, तो मैं दूसरी तरफ से जाता और भाई मेरे को बंदा नीचे भगता हुआ दिखे जाता, तो रास्ते में पकड़ लेता हूँ, पेटी बनाते हैं।
तो इसकी पीटी को बनाते और लूटते, लूटने के बाद भाई पुल की दूसरी तरफ जाते गाड़ी को लेकर के, और वहां पर एक घर होता है जिसकी छत पे भाई दो बंदे मटर गश्ती कर रहे होते। तो उसके बाद जब हम पहुंचते तो क्या होता वो देखो। अब यहाँ पर नेट करने का फैसला करता तो भाई मेरे पीछे पीछे मेरा टीममेट भी नेट करने लगता। वहां से सीधा अपनी पोजीशन चेंज करता हूँ क्योंकि मुझे अपनी पेटी बनवाने का शौक नहीं था, और उसके बाद यहाँ से इस कोने से नेट करता हूँ, और इतने में भाई दो नंबर भी नॉकआउट हो जाता है। लेकिन अच्छी ये बात थी कि भाई टीममेट को जिसने पट सा हेडशॉट दिया वो मेरे नेट के चपेट में आ जाता, तो लगभग मेरा टीममेट यहाँ पर बच गया। और यहाँ पर मैं मॉली करता हूँ, और उसके बाद लगभग यहाँ पर स्मोक करता हूँ, और यहाँ पर सब कुछ सही हो जाता है, मतलब किल मिल जाती है सबकी, और मतलब मामला समाप्त। फिर इसके बाद दो नंबर को रिवाइव देने जाता, और जब तक रिवाइव हो रहे होता कि भाई एक बंदा गाड़ी को लेकर के आ जाता, और उसके बाद क्या होता वो देखो। फायर देता हूँ लेकिन बच के निकल जाता था। उसके बाद यहाँ पर चूहे बिल्ली का खेल फिर से शुरू हो जाता है। मैं गाड़ी में बैठता हूँ, उसका पीछा करता हूँ, और ये जाकर के एक घर में रुकता था। फिर उसके बाद क्या होता वो देखो। सीट चेंज करके फायर देता हूँ लेकिन अफसोस के साथ बंदा बच के ऊपर की तरफ निकल जाता है। तो यहाँ पर मैं स्मोक करता हूँ, और भाई बंदा डर के मारे फिर थोड़ी देर बाद भाई पता नहीं नीचे क्यों कूद जाता है, और फिर ये मेरे चपेटे में थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है। देखो अब थोड़ा बहुत डैमेज फिर से देता हूँ लेकिन भाई बंदे का एकदम नाम ही नहीं है कि थोड़ा बहुत फाइट ले लूँ। भाई पता नहीं भागे जा रहा है, भागे जा रहा है। तो आगे देखो फिर क्या होता। खैर अब ये भी सोच रहा होगा कि भाई मेरा पाला किस बंदे से पड़ गया यार, एकदम पीछे ही पड़ गया, पीछे पड़ के मेरी पेटी बनाई। खैर यहाँ पर अब ये तो तंग हो गया, अब इसके यहाँ पर पेटी बना दे, और उसके बाद गाड़ी को ले जाकर के भाई जब ब्रिज के पास से जा ही रहे होते मिलटा के, तो भाई वहाँ पर एक बंदा मेरे को फिर से दिखाई देता है। अच्छा खासा डैमेज दे दिया था, तो गाड़ी में बैठता और वहाँ पर पहुँचता, और भाई ये पुल के दूसरे किनारे पर कैंपिंग लगा करके बैठा होता। तो देखो क्या होता है, पेटी बनाता हूँ, आगे एक और दिखता है लेकिन असल में दो थे। एक को नॉकआउट किया, और भाई दूसरा वाला पता नहीं कहाँ छुपा पड़ा था, भाई मेरे को लपेटे में ले लिया। खैर यहाँ पर भाई मैंने दो नंबर को बचाया था, तो वो अपने एहसान का बदला चुकाने के लिए भाई मेरे को रिवाइव देने के लिए आता है। बंदा यहाँ पर होता भी नहीं लेकिन गाड़ी को लेकर के आता है, जो कि बहुत अच्छी बात थी, अच्छा टीममेट था। और उसके बाद यहाँ पर रिवाइव हो जाते, लेकिन यहाँ पर बुरी बात यह थी कि भाई टीममेट ने मतलब यार सबको फिनिश यहाँ पर कर दिया। तो खैर कोई बात नहीं, उसके बाद हम गाड़ी को पकड़ के भाई जोन की तरफ जाते हैं, और वहाँ पर जैसे ही पहुँचते जोन के अंदर तो एक बंदा भाई मेरे को जो है AUG चलाते हुए दिखता है। तो देखो अब यहाँ से भाई मुश्किलें खड़ी हो चुकी थी। भाई इस बंदे ने यहाँ पर दो नंबर को नॉकआउट कर दिया, और भाई तीन नंबर को रिवाइव देने जाता है, लेकिन नीचे और भी बंदे थे जिन्होंने दोनों को फिनिश कर दिया। अब आगे देखो फिर क्या होता है। तो खैर यहाँ पर इस बंदे की पेटी बना करके टीममेट का आधा बदला तो ले ही लेता, और यहाँ पर भाई मेरे को आई लव यू AWM मिल जाता है। और उसके बाद यहाँ पर भाई ये लोग मुझे बता रहे होते कि भाई मतलब क्या कंडीशन है, कौन कहाँ पर है। सुनो तुम मेरे को लूटेगा एक तीन नंबर आया ही है। अब इतने में पीछे से एक बंदा पानी से आ जाता है, घर के पास से मारा था मेरे को, घर के पास से, वो घर दिख रहा है छोटा सा। अब पीछे से बंदा फायरिंग करता, और भाई अच्छा वो बंदा शांत मूड में था वरना पेटी बना देता। अब ये तो शांत मूड में जरूर होगा, लेकिन भाई अभी शायद इसी का एक और बंदा यहाँ पर आएगा पानी से तैर करके, दूसरा बंदा था भाई वो एकदम शांत मूड में नहीं था, देखना यहाँ पर। अब इसे कहते हैं एकदम क्विक एक्शन का कमाल, भाई फटाक से लेटा और उसको फायरिंग दी, वरना यहाँ पर पेटी बनना तो एकदम तय थी। भाई एकदम गुस्से के मूड में था ये बंदा। और उसके बाद यहाँ पर भाई ये जो पेटी पड़ी थी इसमें से थोड़े बहुत स्मोक लूटता हूँ, और भाई स्मोक को आगे की तरफ फेंकता हूँ, और मैंने सोचा भाई आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा, यहाँ पर करना क्या, और फिर आगे बढ़ता हूँ, फिर देखो क्या होता है। बाल बाल बच गया यहाँ पर, और भाई इसके बाद यहाँ पर किनारे पे आकर के मेडिकेट लपेट ही रहा होता कि भाई वो भी नहीं कर पाता, और ये आ जाता है। लेकिन जैसे तैसे करके भाई तुम्हारा भाई मैनेज कर ही लेता है। उसके बाद यहाँ पर फटाक से मेडिकेट लपेटते हैं, और भाई आखिरी बंदे को ढूंढने की खोज में लग जाते हैं, लेकिन आखिरी बंदे ने कहा कि भाई मैं यहाँ पर हूँ। अब AWM निकालता हूँ, और भाई सोचता हूँ कि थोड़ा बहुत थोपड़ा दिखाएगा तो हो जाएगा काम, बिंदी चिपका देंगे और भाई एकदम खेल खत्म। लेकिन भाई ये बंदा एकदम चंट था, इतनी आसानी से कैसे मान जाता। खैर यहाँ पर फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे की तरफ एक स्क्वाड हाउस होती है, उसमें जाकर के भाई नेड लेता हूँ, और सोचता हूँ कि भाई देखते हैं नेड फेंक करके क्या होता है। अब दोनों के हथियार आपस में क्रॉस हो जाते हैं लेकिन कोई भी नतीजा नहीं निकलता। खैर यहाँ पर मैं एक और नेट करने की कोशिश करता हूँ दूसरी जगह से, उसने भी नेट किया मेरे पर, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पर भाई मैंने सोचा कि भाई जितनी भी जमा पूंजी है सब फेंक दूंगा इसके ऊपर, पता नहीं कहाँ बैठा था भाई, उसको कुछ हो ही नहीं रहा था। लेकिन फिर आगे देखो क्या होता है, अब इससे भी कुछ नहीं हुआ, एक और नेट निकाल के फेंकता हूँ,
उसके पीछे खड़ा हुआ है, उसके पीछे खड़ा हुआ है, पीछे मारो उसके। हाँ यार मुझे पता तुम लोगों को हंसी आ रही होगी, हंसते रहो सबसे पीछे सबसे। लेकिन अभी हंसी वाली बात खत्म नहीं हुई, अभी यहाँ पर खैर मैं थोड़ा सा यहाँ पर बूस्ट अप लगाता हूँ और उसके बाद भाई छत पर जाकर के भाई स्मोक फेंकता हूँ आगे की तरफ और बंदा अपना चेहरा दिखाता है। अभी तो ना फ्री फायर दे दिया लेकिन भाई कैसा बंदा था यार, कुछ हो ही नहीं रहा था। और उसके बाद यहाँ पर इतना सब कुछ फेंका लेकिन नहीं लगा। अब यहाँ पर भाई मेरे पास पैन ही बचा था, मैंने सोचा चलो भाई तवा ही फेंक के देख ले तो कुछ हो जाए, और भाई तवा लग भी जाता है देखो यहाँ पर। अब मैंने कहा भाई इतना सब फेंक लिया वो तो लगा नहीं, यहाँ पर लगा भी तो क्या, तवा लगा, चलो यार कुछ तो लगा। अब वो भी तवा मेरे पर फेंकता, मेरा वाला ही, लेकिन उसका तवा मेरे तक उड़ते पहुंचे उससे पहले यहाँ पर मैंने ग्रोजा की 2 पित्तल उसके सर में भर दी। और यहाँ पर भाई हमारे को क्या मिला, हमारे को मिला भाई भिन्नर भिन्नर मुर्गी डिनर। तो यार कुल मिला करके यहाँ पर एकदम मजा ही आ गया, इस बंदे ने तो एकदम यार मतलब क्या बताऊँ यार दिमाग चाट लिया था। तुम यहाँ पर देख रहे हो ना कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी और अंत में लगा भी क्या, तवा लगा और यहाँ पर ग्रोजा से पेटी बनाई। तो यार यहाँ पर तुम वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और भाई बेल आइकन को ऑल पर दबा देना, और भाई कॉमेंट में ज़रूर करना कि वीडियो कैसी लगी और जो पूछा था उसका भी जवाब देना। तो भाई कुल मिला करके आज की वीडियो तय, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, टाटा सायोनारा बाय बाय। लेट्स टेक इट स्लो, वेयर यू गो आई गो टू, एंड इफ यू हिट द बॉटम आई एम गोइंग डाउन विद यू। लेट्स टेक इट स्लो, हु केयर्स वेयर वी गॉट टू बी।